हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नया ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे मॉर्निंग 11:30 और अभी मैं बनाऊंगा लंच। तो अभी जाऊंगा किचन का उधर और बनाऊंगा लंच। तो अभी भी 10 मिनट बाकी है 11:30 बजने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है किचन, रेस्टोरेंट का किचन। अभी इधर बनाऊंगा राइस। तो इसके लिए पहले पानी, तो बहुत सारा पानी होकर हो चुका है। अभी इसको बंद करके बैठाऊंगा गैस के ऊपर। तो हम देख सकते हैं एकदम छोटा छोटा राइस, इसको इधर बुलेट राइस बोलते हैं। इसको भी अच्छे से वॉश करना है 2-3 बार। तो राइस और एक बार धो लूंगा, क्योंकि राइस जितना अच्छे से धोएगा उतना मतलब देखने में अच्छा लगेगा, पूरा एकदम व्हाइट हो जाएगा राइस बनने के बाद, और बहुत सारा डस्ट भी रहता है। तो फ्रेंड्स, इधर में राइस गीला कर दिया और उधर राइस, उधर पानी भी गर्म हो रहा है। 15-20 मिनट लगेगा पानी गर्म होने के लिए, बाद में ये राइस उसके अंदर डालना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगा सोयाबीन का सब्जी, जो सोया चिक्स होता है, चिंग। इसको बहुत लोग सोयाबीन ही ज़्यादा बोलता है, सोया चंक्स भी बोलता है कोई कोई। इसका नाम एक्चुअली सोया चंक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन ही बोलते हैं। इसको अभी पानी में गीला करूँगा। तो इसको मैं ठंडा पानी में गीला करके रखेंगे, कोई कोई गर्म पानी से भी गीला करता है। गर्म पानी में गीला करके थोड़ा टूट जाता है। ठंडा पानी में गीला करके पानी निकालने के बाद थोड़ा फ्राई करके ग्रेवी बनाएगा तो एकदम नॉनवेज का जैसा रहता है, टेस्टी। और ऐसा गर्म पानी में गीला करके थोड़ा टूट जाता है ये। तो फ्रेंड्स, ये मैं बंगाली स्टाइल बनाऊंगा, इसलिए पोटैटो, मसाले के लिए ऑनियन, जिंजर गार्लिक। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पोटैटो कट कर चुका है, इसके साथ साथ ऑनियन एंड ग्रीन चिली, और हमारा राइस भी अच्छे से पूरा गिल चुका है। अभी इसके अंदर डाल दूंगा, कि उधर गर्म पानी हो चुका है, तो अभी गर्म पानी के अंदर डाल दूंगा। और इस साइड में सोयाबीन भी अच्छे से गीला हो चुका है, अभी इसको पानी निकालना है अच्छे से, ऐसा करके पानी निकालना है। तो सोयाबीन को अच्छे से पानी निकल दिया, और ये है उसका पानी, और इधर राइस भी अभी हो रहा है। मैं हांडी में बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि कुकर में बनाएगा तो बहुत जल्दी हो जाता है, और कुकर का जो फ्राई है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है बाद में ठंडा होने के बाद। और ये हांडी में बनाएगा तो सिंगल सिंगल रहता है। इसका अंदर आप चाहे तो सॉल्ट डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि खिले खिले बनेगा राइस। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मसाला पेस्ट करूँगा। इसका अंदर है धनिया, जीरा, जिंजर एंड गार्लिक। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मसाला अच्छा पेस्ट हो चुका है। अभी इसके अंदर डाल दूंगा टर्मरिक पाउडर और कुछ कश्मीरी चिली, जो रेड चिली होता है, ये बहुत तीखा कम होता है, बट कलर बहुत अच्छा होता है इसका। तो फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से बन चुका है, देख सकते हैं, क्योंकि ये मैं एक साथ कर लिया, बहुत ईजी हो गया अभी, क्योंकि अभी और ज़्यादा कुछ मसाला ऐड करना नहीं पड़ेगा, सारे के सारे मसाला इसके अंदर है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइस और 2-3 मिनट तक पकेगा, उसके बाद इसको निकाल दूंगा। तो होटल में ऐसा टाइप का राइस बनता है, ऐसा टाइप का, देख सकते हैं। मैं इसके लिए रेडी करता हूँ, अभी थोड़ा राइस के लिए वेट करना है। जब भी राइस हो जाएगा तब भी मैं ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, राइस रेडी हो चुका है, अभी इसको निकाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी ग्रेवी के लिए जो मैं पोटैटो और सोयाबीन है, मैं वो इसमें फ्राई करेंगे, ये कढ़ाई में, क्योंकि ये कढ़ाई में फ्राई करने के लिए बहुत ईजी होता है, और ग्रेवी बनाएंगे दूसरा कढ़ाई में, इसमें से फ्राई करेंगे। थोड़ा ऑयल डालना है, उसके बाद थोड़ा टर्मरिक पाउडर, उसके बाद पोटैटो को डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आलू थोड़ा फ्राई हो चुका है, हाफ फ्राई, अब इसके अंदर सोयाबीन को डाल दूंगा, एक साथ फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी बैठाऊंगा दूसरा कढ़ाई, ग्रेवी का कढ़ाई। तो फ्रेंड्स, ये कढ़ाई बैठा दिया,
और ये देखिए ये कढ़ाई में मैं बना रहा था क्योंकि ये थोड़ा पतला कढ़ाई है, मसाला थोड़ा जल जाने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो भाई जीरा कुछ जीरा और सूखा मिर्ची अभी इसके अंदर डाल दूँगा पानी ना ग्रीन कर। तो ऑनियन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर डालूँगा मसाला, ये मसाला जो मैं बना के रखा था, और ज़्यादा कुछ मसाला नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मसाला थोड़ा फ्राई होने के बाद इसके अंदर डालें टमाटो पेस्ट, क्योंकि ये ग्रेवी थिक बनाने के लिए। आप लोग टमाटो बड़ा बड़ा काट के भी दे सकते हैं, क्योंकि काट के देगा तो ग्रेवी थोड़ा थिक नहीं बनेगा, थोड़ा पतला बनेगा। अभी ये टमाटर है पानी छोड़ेगा थोड़ा फ्राई होने के बाद। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो अभी जो टमाटो का पानी है वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है और ऑटोमेटिक सूख जा रहा है, उसके बाद वो ऑयल निकालेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पानी सूख जाने के बाद ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, अभी अच्छे से मसाला फ्राई हो रहा है। अभी दे देना सॉल्ट, अभी जो सोयाबीन था वो एक साथ डाल दूंगा। तो पोटैटो और सोयाबीन को एक साथ मिक्स करूंगा अभी। तो फ्रेंड्स मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी इसके अंदर डाल दूंगा पानी। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं पानी डालते अभी इसको बॉयल अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ूंगा। तो अभी 10-15 मिनट स्लो में पकाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी 10 मिनट बाद ग्रेवी को बंद करूंगा। तो इधर ये लोग क्या कर रहे देख रहा हूँ, अभी देखने के लिए जा रहा हूँ बाकी स्टाफ। तो फ्रेंड्स ये है रोड, ये रूम का ये रोड बन रहा है। इसका नाम बाप्पा है। तो ये देखो फ्रेंड्स ये वुडन कॉटेज जो है इधर का, ये वुडन कॉटेज का रोड बन रहा है। ये हमारा इधर का नया स्टाफ सब। तो ये है पानी का मशीन, इसमें जो क्लीन हो रहा था। तो ये है हमारा रिसेप्शन मैनेजर, वो भी। तो फिर से किचन के बता जाऊंगा, ग्रेवी अभी हो रहा है, हो गया होगा, अभी जाके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इधर ही खत्म करता हूँ, फिर से लेके आऊँगा नया कुछ ब्लॉग, तब तक हम उनको हाथ दिए, धन्यवाद फ्रेंड्स।